दोस्तों कहा जाता है कि अमावस की रात को कहीं रात के वक्त सफर नहीं करते, क्योंकि बुरी शक्तियां उस रात अपनी चरम सीमा पर होती हैं। एक रात में ट्रक में माल लोडिंग करके एक जगह डिलीवरी करने जा रहा था। जिस रास्ते से मैं गुजर रहा था वो रास्ता मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। उस सड़क के किनारे बड़े बड़े पेड़ और झाड़ियाँ किसी भी इंसान को डराने पर मजबूर कर देती। मुझे रेडियो सुनने का बहुत शौक है। रेडियो सुनते हुए मैं ट्रक को चला रहा था। उस रेडियो में भूत और आत्मा के बारे में चर्चा चल रही थी। अमावस की काली रात के बारे में कुछ बातें हो रही थी। मैं भी ध्यान से रेडियो सुनते हुए ट्रक को चलाए जा रहा था कि तभी अचानक ही मेरी ट्रक एकदम से बंद पड़ गई, और जैसे मैं ट्रक से नीचे उतरा तो वो खौफनाक मंजर देखकर मेरी तो चीख निकल गई। दोस्तों मेरा नाम विनय है और मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। मुझे ट्रक चलाते हुए अब तकरीबन 8 साल हो गए हैं। मैंने इन बीते 8 सालों में बहुत सी जगह पर रात के वक्त अकेले सामान डिलीवर किया है जो भूतिया और प्रेत बाधित माने जाते हैं। मैंने ऐसे ही कुछ घटनाओं को अनुभव भी किया है, लेकिन आज से तकरीबन 1 साल पहले बीते मेरे साथ उस घटना ने मुझे ट्रक ड्राइविंग छोड़ने पर मजबूर कर दिया। तो चलिए बढ़ते हैं एक और दिल दहला देने वाली कहानी की ओर। दोस्तों आज से तकरीबन 1 साल पहले जब दिसंबर का ठंडा महीना था और उस वक्त मुझे ज़्यादातर रात के वक्त ट्रक लेकर सामान शिफ्ट करने जाना पड़ता था, एक दिन मेरे पास एक व्यापारी का फ़ोन आया और मैंने फ़ोन उठाया तो उस व्यापारी ने मुझे आज शाम उत्तराखंड से मसूरी तक का सामान शिफ्ट करने का ऑर्डर दिया। अब मैंने भी उस ऑर्डर को रिसीव कर लिया था। ठंड का मौसम होने की वजह से मैंने अपने लिए कुछ गर्म कपड़े अपने साथ रख लिए और मैं अब शाम के 4 बजे घर से निकल ही रहा था कि अचानक मेरी माँ ने मुझे टोकते हुए कहा, कहाँ जा रहे हो बेटे, आज की रात तुम्हें कहीं नहीं जाना है। मैंने अपनी माँ से पूछा, क्यों माँ, अक्सर मैं रात में ही तो जाता हूँ, तो आज क्या बात हो गई। मेरी बात का जवाब देते हुए मेरी माँ ने मुझसे कहा कि आज की रात अमावस की रात है और आज की रात कोई कहीं नहीं जाता और तुम भी कहीं नहीं जाओगे। मैंने अपनी माँ की बात पर कहा कि मैं इतने सालों से ना जाने कितने अमावस की रात को गया हूँ और आपको तो पता ही है मैं इन सब मनगढ़ंत बातों पर विश्वास नहीं करता। और इतना कहकर मैं अपना ट्रक लेकर उस व्यापारी के पास चला आया, क्योंकि ट्रक में सामान लोडिंग करने में भी काफ़ी वक्त लगता है। तब तक मैंने अपने एक दोस्त के पास फ़ोन करके साथ चलने को कहा जो हर बारी मेरे साथ जाया करता था, लेकिन उसने आज रात मेरे साथ चलने से साफ इनकार कर दिया। अब वो कोई बहाना कर रहा था या कोई और वजह थी इसका तो मुझे भी नहीं मालूम। मेरे ट्रक में अब सामान लोड हो चुका था। मैंने व्यापारी से पूछा कि कोई लड़का है मेरे साथ भेजने के लिए, तो उस व्यापारी ने बताया कि कुछ लड़के थे लेकिन वो किसी काम से गए हुए हैं। खैर मैंने उस व्यापारी से जहाँ सामान शिफ्ट करना था उस जगह का एड्रेस और उस व्यापारी का फ़ोन नंबर मैंने ले लिया और मैं अब अकेले ही अपना ट्रक लेकर मसूरी के लिए निकल पड़ा। मुझे अकेले जाने का कोई डर नहीं था, मुझे डर तो इस बात का था कि आधी रात कहीं ट्रक बंद ना पड़ जाए, क्योंकि अकेले रात के वक्त ट्रक ठीक करना कोई आसान काम नहीं होता। मैंने अपने ट्रक में एक रेडियो रखा हुआ है, जब भी मैं अकेले कहीं जाता हूँ तो मैं रेडियो चालू कर देता हूँ। अब हर बार की तरह मैंने रेडियो चालू कर दिया और अब मैं रेडियो सुनते हुए ट्रक चला रहा था। मेरी ट्रक अब हाईवे पर थी और अभी रात के तकरीबन 8 ही बज रहे थे कि ठंड की वजह से इक्का दुक्का ही गाड़ियां मुझे उस हाईवे पर चलते हुए दिखाई दे रही थी। तभी मेरा ध्यान उस चल रही रेडियो पर पड़ा तो मैंने देखा कि रेडियो में अब भूतों और अमावस की रात को लेकर चर्चा चल रही थी। मैं अभी अब बड़े ध्यान से उस रेडियो को सुन रहा था। मैंने उस रेडियो से सुना कि अमावस की रात में बुरी शक्तियाँ यानी कि भूत प्रेत की ताकत चरम सीमा पर होती हैं। उस वक्त रात के वक्त अकेले जाना खतरे से खाली नहीं होता है। इतना सुनते मैंने तुरंत ही रेडियो को बंद कर दिया, क्योंकि मैं अकेले अपने ट्रक से जा रहा था और ये सब ख्याल मुझे अंदर से भयभीत कर रहे थे। मैं भूतों में यकीन तो नहीं करता हूँ, लेकिन अकेले होने की वजह से मुझे थोड़ा डर था। ट्रक चलाते हुए मेरी नज़र हाईवे के किनारे एक पेट्रोल पंप पर पड़ी। मैंने उस पेट्रोल पंप पर ट्रक की टंकी फुल करवा ली ताकि मुझे मसूरी जाते हुए रास्ते में तेल की वजह से कोई दिक्कत ना हो। अब मैं एक बार फिर अपना ट्रक लेकर हाईवे पर निकल पड़ा। ठंड का मौसम होने की वजह से रास्ते पर कोहरा गिर रहा था, जिसकी वजह से ट्रक की हेडलाइट में कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। इसी वजह से मैं अपने ट्रक को थोड़ा धीमे चला रहा था कि तभी अचानक ही एक आदमी मेरे ट्रक के सामने आ गया। मैंने झट से ब्रेक लगा दिया और मैंने देखा कि वो आदमी बहुत डरा हुआ लग रहा था और गाड़ी में बैठने के लिए इशारा किया जा रहा था। मैंने उस आदमी को ट्रक में बैठने के लिए कहा और वो आदमी मेरे इशारा करते ही फौरन ही ट्रक में आकर बैठ गया और जल्दी यहाँ से निकलने के लिए बोला। मैंने भी ट्रक स्टार्ट किया और थोड़ा धीरे धीरे उस हाईवे पर ट्रक चलाने लगा। मैंने उस आदमी को देखा तो वो आदमी लगातार ट्रक के शीशे से पीछे की ओर झांके जा रहा था। मैंने उस आदमी को इतना परेशान देख उस आदमी से कहा, अरे भाई साहब क्या हो गया, कोई भूत वो देख लिया है क्या जो इतना डर रहे हो। लेकिन उस आदमी ने मेरी बात का कुछ जवाब ही नहीं दिया, वो लगातार ट्रक के पीछे की ओर देख रहा था। अब एक बार फिर मैंने उस आदमी को टोकते हुए उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, डरिए मत,
पता ही कहाँ जाना आपको, मैं छोड़ दूंगा। मेरी बात सुनकर उस आदमी ने मुझसे कहा, मैं भी एक ट्रक ड्राइवर हूँ और मैं अपनी ट्रक लेकर अपने एक आदमी के साथ घर की ओर जा रहा था कि अचानक ही एक काले रंग का जानवर जिसका चेहरा दिखने में भेड़िए के जैसा था वो अचानक ही सामने आ गया, जिसे बचाने के चक्कर में हमारी ट्रक एक पेड़ से जा टकराई, जिसके बाद मैंने अपने ट्रक को बहुत ही स्टार्ट करने की कोशिश की लेकिन मेरी ट्रक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। फिर कुछ देर बाद चारों तरफ से एकदम भयानक सी आवाज़ें हमें सुनाई देने लगी। मैंने ऐसी डरावनी आवाज़ पहले कभी सुनी नहीं थी और मेरे बगल के सीट पर बैठे आदमी ने मुझे बताया कि ये आवाज़ें कोई साधारण आवाज़ नहीं है, हमें जल्द ही यहाँ से निकलना होगा। फिर कुछ देर तक ट्रक स्टार्ट करने के बाद जब हमारी ट्रक स्टार्ट नहीं हुई तो हम दोनों एक साथ नीचे उतरे और हम ट्रक को देख ही रहे थे कि अचानक ही किसी जानवर की बहुत ही ज़ोर से घुर्राने की आवाज़ आई। हम ट्रक में बैठने के लिए दौड़े कि तभी मेरे साथ जो एक और आदमी था वो ज़ोर से चीख पड़ा। मैंने जैसे पीछे मुड़कर देखा तो कोई काली परछाई जो दिखने में किसी जानवर की तरह ही थी वो मेरे साथी को रोड से काफ़ी दूर घसीटते हुए खींच ले गई और फिर एकदम से सब कुछ शांत हो गया। इतना भयानक मंजर देखकर मैं फौरन इस हाईवे की ओर भागने लगा ताकि मैं किसी की मदद से कल सुबह यहाँ आके उस आदमी का पता लगा सकूँ। दोस्तों, मैं उस आदमी के बाद बड़े ध्यान से सुन रहा था कि तभी अचानक ही मुझे ऐसा लगा कि कोई ट्रक के नीचे आ गया है। मैं ये देखने के लिए ट्रक रोकने वाला था कि उस आदमी ने मुझे ट्रक रोकने से सख्त मना कर दिया और मैंने भी उस आदमी की बात मानते हुए ट्रक नहीं रोकी। मैंने उस आदमी से पूछा कि कहाँ पर उतरना है आपको, तो मेरी बात सुनकर उस आदमी ने बताया कि जहाँ पर मैं जा रहा हूँ वो आदमी भी मेरे साथ जाएगा। खैर, मुझे भी उस आदमी को कहीं ट्रक से उतारना ठीक नहीं लग रहा था और ऊपर से वो आदमी बहुत ही घबराया हुआ था। मैंने अपने कीपैड मोबाइल में देखा तो रात के तकरीबन अब 12 बजने को आए थे और चारों तरफ एक गहरा सन्नाटा और अंधेरा पसरा हुआ था कि तभी मेरी नज़र ट्रक के हेडलाइट में उस हाईवे के किनारे एक पीले रंग के बोर्ड पर पड़ी जिस पर लिखा हुआ था मसूरी 20 किलोमीटर। अब मसूरी से हम कुछ ही दूरी पर थे। उस आदमी की बताई वो खौफनाक बातें अभी भी मेरे दिमाग में घूम रही थी। मैं इसी बारे में सोच रहा था कि ये घटना कहीं सच ना निकले। जैसा कि उस आदमी ने मुझे बताया था कि मैं खुद की तसल्ली के लिए उस आदमी से मैंने पूछा, क्या सच में ये घटना आपके साथ हुई थी? मैंने बहुत बार सुना है कि अमावस की रात में कहीं रात के वक्त नहीं जाना चाहिए। मेरी बात सुनकर उस आदमी ने मुझे बताया कि कुछ वक्त पहले जो उसके साथ घटना घटी थी वो पूरी तरह से सच है। अभी वो आदमी मुझसे कुछ कहने वाला था कि तभी एक बहुत ही तेज आवाज़ जो सुनने में बहुत ही खौफनाक थी, वो आवाज़ ना तो किसी जानवर की थी और ना ही किसी इंसान की लग रही थी। अचानक उस आवाज़ के सुनते ही मेरे बगल के सीट पर बैठा वो आदमी पूरी तरह से डर गया। तभी उसने मुझे बताया कि ये वही आवाज़ है जो उसके ट्रक के पेड़ से टक्कर होने से पहले सुनाई दी थी। उस आदमी की बात सुनकर अब मुझे ये यकीन हो गया कि शायद सच में उसके साथ ऐसा कुछ हुआ हो कि तभी मुझे ऐसा लगा कि कोई इंसान या फिर यूँ कहें कि या तो कोई जानवर ट्रक के सामने से एकदम से रोड के दूसरी तरफ गुजरा। लेकिन मैंने थोड़ी हिम्मत से काम लिया, मैं सीधे अपने ट्रक की पूरी स्पीड में ट्रक भगाने लगा कि तभी अचानक ही मेरे ट्रक से थोड़ी दूरी पर एक काले रंग का कोई बड़ा सा जानवर जो दिखने में एक लोमड़ी के जैसा था लेकिन उसकी लंबाई आम लोमड़ियों से काफ़ी बड़ी थी। मैंने ऐसी काली लोमड़ी पहले अपने जीवन में कभी नहीं देखी थी कि तभी उस आदमी ने मुझे चौकन्ना करते हुए कहा कि ये तो वही दानव है जो मेरे ट्रक चलाते वक्त मेरे सामने अचानक से आ गया था जिसकी वजह से मेरे ट्रक की टक्कर हो गई थी। भाई, आप गाड़ी मत रोकना। मैंने उस आदमी की बात सुनते ही एकदम से मैंने ट्रक की स्पीड और भी तेज कर ली और फिर एकदम से वो लोमड़ी जैसे दिखने वाला जानवर मेरे ट्रक से टकराते हाईवे से दूर जा गिरा और मैं बिना पीछे मुड़े सामने की ओर ट्रक को भगाए जा रहा था। और लगभग कुछ दूर आगे जाने के बाद वो आवाज़ आने भी बंद हो गई। मैं सोच ही रहा था कि शायद अब खतरा टल चुका है कि तभी कुछ दूर आगे बढ़ने पर मुझे एक मोड़ दिखा जो जंगल के बीच से होकर जा रहा था और जिस हाईवे से हम जा रहे थे उस हाईवे के किनारे उस दूसरे रोड की ओर जाने का सिंबल बना हुआ था और उसके बगल में एक वाइट रंग के बोर्ड पर वार्निंग लिखी हुई थी क्योंकि आगे के हाईवे की शायद मरम्मत चल रही थी। मैंने अब ट्रक को उस दूसरी रोड की ओर मोड़ लिया और अब हम उसी दूसरी रोड से आगे बढ़ने लगे। इस दौरान काफ़ी रात हो चुकी थी और रात के ठीक 1 बज रहे थे और वो दूसरा आदमी जो मेरे बगल के सीट पर बैठा हुआ था वो अब सो रहा था। मुझे भी ना जाने क्यों अब जम्हाई आने लगी थी। मैं बहुत ही थका हुआ महसूस कर रहा था। मेरी आंखें अब हल्की नींद के आगोश में आ रही थी कि तभी एकदम से धड़ाम की ट्रक के पीछे से आवाज़ आई जिसे सुनते ही मैं एकदम से हड़बड़ा के ट्रक के साइड मिरर में देखने लगा। काफ़ी अंधेरा होने की वजह से मुझे कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ जानवर शायद भागते वक्त ट्रक से टकरा गया होगा और मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। रात काफ़ी हो जाने की वजह से ठंड काफ़ी बढ़ गई थी। मैंने कुछ गर्म कपड़े भी पहन लिए और उस आदमी को जो मेरे बगल की सीट पर अब गहरी नींद में था मैं उसे चादर उड़ाने लगा कि तभी अचानक मुझे एक ठीक वैसी आवाज़ आई जो कि कुछ देर पहले उस हाईवे पर आई थी।
दोस्तों उस आवाज के सुनते ही मैं घबरा गया, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया जो कि उस हाईवे पर दिखा था। मैंने अपना मन बहलाने के लिए एक बार फिर अपने रेडियो को मैंने चालू कर दिया। अभी भी रेडियो पर भूत और आत्माओं के बारे में चर्चा चल रही थी कि तभी मेरी नज़र उस रोड के किनारे पर पड़ी तो मैंने देखा कि एक पीले रंग के बोर्ड पर साफ साफ लिखा हुआ था मसूरी 12 किलोमीटर। इतना देखकर मुझे थोड़ी राहत मिली क्योंकि मैं अपने मंजिल के काफ़ी करीब पहुंच गया था। लेकिन मैंने उस रोड की ओर थोड़े ध्यान से देखा जिससे हम आगे बढ़ रहे थे तो मुझे ऐसा लगा कि इस रोड से हम पहले भी जा चुके हैं। खैर मुझे लगा कि शायद ये मेरा भ्रम हो सकता है क्योंकि काफ़ी वक्त से मैं ड्राइविंग कर रहा था। और कुछ किलोमीटर और आगे बढ़ने पर मुझे एक बार वही येलो कलर का बोर्ड दिखा जिस पर साफ साफ लिखा था मसूरी 12 किलोमीटर। इस बार मैंने इतना देखते ही उस आदमी को फौरन ही उठा दिया जो मेरे बगल की सीट पर सो रहा था। वो आदमी मेरे जागते ही तुरंत उठ गया और उस आदमी से मैंने चल रही इस भूल भुलैया रोड के बारे में बताया तो मेरी बात सुनकर वो आदमी भी एकदम से डर गया। उस आदमी ने मुझसे कहा, भाई साहब आप बस ट्रक चलाते रहिए, कहीं भी गाड़ी मत रोकिएगा। अब वो आदमी मुझसे इतना कह ही रहा था कि तभी रोड के दोनों तरफ के जो बड़े बड़े पेड़ और घनी झाड़ियाँ थी जोरों से हिलने लगी थी जैसे कि मानो आंधी तूफान के वक्त होता है। ऐसा लग रहा था कि कोई एक पेड़ से दूसरे पेड़ खुद पे खुद टकरा रहे हैं। इतना सब देखते ही हम दोनों की दिल की धड़कनें तेज हो गई, लेकिन मैंने अभी तक ट्रक नहीं रोका था। मैं उस रोड पर लगातार आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था। फिर एकदम से कुछ लोमड़ियाँ एक तरफ से सड़क की दूसरी तरफ जाने लगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। उस वक्त कुछ जानवर तो मेरे ट्रक के नीचे आ गए, लेकिन फिर भी मैंने ये सोचकर ट्रक नहीं रोका कि शायद ये कोई बुरी शक्ति या फिर छलावा भी हो सकता है। कुछ किलोमीटर तक ऐसा ही माहौल बना रहा, लेकिन इस बार हम घूमकर दोबारा उस जगह पर नहीं आए थे कि तभी ट्रक चलाते हुए मुझे कुछ दूरी पर एक छोटा सा गांव दिखा। उस गांव को देखकर हम दोनों ने चैन की सांस ली और अब हमें लगा कि वहां पर लोग रहते ही होंगे, शायद अब हम सुरक्षित हैं। लेकिन तभी हमारी ट्रक एकदम से बंद पड़ गई। मुझे ट्रक बंद होने की वजह से बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अब वो डरावनी आवाज़ें आनी बंद हो चुकी थी और आसपास का माहौल भी काफ़ी नॉर्मल दिख रहा था। अब ये सोचकर कि शायद अब कोई खतरा नहीं है, मैं उस आदमी के साथ जो मेरे बगल की सीट पर बैठा हुआ था उसे लेकर मैं अपने कीपैड मोबाइल की टॉर्च ऑन करके हम दोनों एक साथ ट्रक से नीचे उतरे। हमारी ट्रक से नीचे उतरते ही एक बार मुझे ऐसा लगा कि कोई हमें देख रहा है। मुझे और भी किसी की मौजूदगी का आभास हो रहा था कि तभी मैंने अपने मोबाइल की टॉर्च को ऑन करके ट्रक के पहिए की ओर घुमाया तो मेरी चीख निकल गई क्योंकि ट्रक के आगे के टायर खून से सने हुए थे। और देखते ही देखते एक बार फिर लोमड़ियों की रोने की आवाज़ें पूरे जंगल में गूंज उठी थी कि तभी एक बहुत ही डरावनी किसी के हंसने की आवाज़ हमें साफ साफ सुनाई दी। उस आवाज़ को सुनते ही हम अपने ट्रक में चढ़ने के लिए ट्रक की ओर भागे, लेकिन ना जाने क्यों ट्रक के दरवाजे अंदर से अपने आप ही लॉक हो गए थे। अब मुझे लगा कि अब हम नहीं बचने वाले हैं। मैंने उस आदमी से कहा, अब हमें सुरक्षित बचने का बस एक ही तरीका है, वो गांव। और इतना कहते ही हम अपनी पूरी जान लगाकर उस गांव की ओर भागने लगे। लेकिन भागते भागते मुझे तो ऐसा लग रहा था कि कोई और भी हमारे साथ साथ भाग रहा है। अब मैं उस गांव में पहुंचा तो मैंने पीछे देखा तो वो आदमी कहीं भी नहीं था। फिर मुझे लगा कि शायद वो आदमी कहीं पर छुपा हुआ है। मैं कुछ घरों के दरवाजे खटखटाने लगा, लेकिन कोई भी अपने घर का दरवाजा नहीं खोल रहा था कि तभी अचानक किसी ने मेरा हाथ पकड़कर अपने घर में खींच लिया और मुझे बैठाकर अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। वो आदमी 60 या 65 साल का था। मैंने उस आदमी से कहा, बाबा मेरा एक साथी है। मेरे मुंह से आवाज़ निकलते ही उस बूढ़े आदमी ने मुझे तुरंत ही चुप रहने के लिए बोला और मुझे जब तक सुबह ना हो जाए तब तक उस कमरे से बाहर निकलने से मना करके वो न जाने कहाँ चला गया। दोस्तों मैं रात भर उस कमरे में बैठा रहा और सुबह जैसे ही मैं उस कमरे से बाहर निकला तो मैंने देखा कि मेरे ट्रक से कुछ ही दूरी पर जंगल के थोड़े अंदर काफ़ी भीड़ लगी हुई थी। मैं तुरंत उस भीड़ की तरफ दौड़ पड़ा। मैंने कुछ लोगों को आपस में बात करते सुना कि आज भी कोई अमावस के पिशाच का शिकार हो गया है। और जैसे ही मैंने उस भीड़ को हटाकर देखा तो उसी आदमी की कटी फटी लाश थी जो कल रात मेरे साथ आया हुआ था। दोस्तों इस दिल दहला देने वाली घटना के बाद से मैंने अपनी ट्रक ड्राइविंग छोड़ दी, लेकिन आज भी मुझे उस रात की घटी घटना चैन से सोने नहीं देती है। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय एंड